आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, सीधा ऊपर से धार जाओगे। कोलकाता केस में पकड़ा गया बड़ा रैकेट, सामने आए ऐसे बड़े बड़े नाम की हिल गई CBI। अरविंद ओझा के हवाले से जो CCTV सामने आया है, ये उस घटना का पहला पुख्ता सबूत है। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया कि डॉक्टर के साथ जो कांड हुआ है उसमें वो अकेला नहीं था, जिसकी वजह से CBI का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। रेनोवेशन के नाम पे जो तोड़फोड़ हुई और सबूत मिटाए गए, उसके बावजूद भी अब CBI के हाथ एक काफी बड़ा सबूत लग गया है। पूरे भारत को ये बात अच्छे से पता थी कि ये काम एक बंदे का नहीं है, और ये शक अब हकीकत में बदलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस जघन्य अपराध में कोई एक नहीं या दो नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल है, जिसकी वजह से कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है। डॉक्टर के साथ जो हुआ उस घटना के दौरान लड़की की चीख किसी को भी सुनाई क्यों नहीं दी, इस सवाल का जवाब भी CBI जानने की कोशिश कर रही है। इन सब बातों का रीजन ये बताया जा रहा है कि विक्टिम डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है वो सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि किसी ऐसी सुनसान जगह पे की गई है। उन्हें किसी और रूम में ले जाकर जमकर मारा पीटा गया और फिर उनका किया गया, तब जाकर उन दरिंदों ने लड़की की बॉडी को सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया। पहले तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और फिर उनकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया गया। दावा किया गया कि विक्टिम डॉक्टर एक काफी ज्यादा होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ ऐसे बेहद भयानक राज पता चल गए थे जो अगर दुनिया के सामने आ जाते तो शायद काफी सारे लोग सलाखों के पीछे आ जाते, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी धमकियां दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉक्टर नहीं डरी। उस ट्रेनी डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वो अस्पताल की सारी काली करतूतों को उजागर कर देगी, और इसीलिए पिछले 6 महीने से लगातार उस ट्रेनी डॉक्टर को परेशान किया जा रहा था। उस डॉक्टर को बिना रुके 26 से लेकर 30 घंटों तक की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था, जिसकी वजह से ये बात तो साफ है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के कई सारे लोग उस महिला के खिलाफ खड़े थे, क्योंकि वो डॉक्टर सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। जिसकी वजह से 9 अगस्त की रात को उन तमाम लोगों ने मिलकर डॉक्टर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। आपको बता दें कि शक के घेरे में एक और चीज है, और वो ये है कि पहले कई सारे PGT और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में ही आराम करते थे, लेकिन उस रात उस ट्रेनी डॉक्टर को वहाँ अकेला सोने के लिए कहा गया, जिसके बाद उस डॉक्टर को वहाँ पे सुला दिया गया और हॉस्पिटल में ये अफवाह उड़ा दी गई कि वो कमरा निर्माण के अधीन है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी सोने ना जा सका। अस्पताल के डॉक्टरों ने ये दावा भी किया था कि घटना से पहले उस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने 4 जूनियर स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था और उन चारों में एक लड़की भी शामिल थी, और इसीलिए इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले में अभी के समय एक ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसकी चर्चा अब हम आगे करने वाले हैं। इसके बाद जब वो विक्टिम डॉक्टर वहाँ पे सो गई, करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पीकर वो सेमिनार रूम में आए। उन्होंने डॉक्टर का हाथ कसके पकड़ा, उसे मारपीट करी, डॉक्टर के साथ दरिंदगी करी और फिर लड़की को जान से मार दिया गया। उन 7 में से 2 लोगों ने डॉक्टर के पैर पकड़कर दोनों पैरों को अलग अलग दिशाओं में खींचा, जिसकी वजह से डॉक्टर की पैरों की हड्डियां टूट गई। उन लोगों ने डॉक्टर की गर्दन को भी तोड़ दिया, आंखें फोड़ दी गई और खोपड़ी को इस तरीके से कुचला कि खोपड़ी भी लगभग फट गई, और इस तरह उन 7 लोगों ने डॉक्टर के साथ इतनी बुरी तरीके से हैवानियत करी थी। खैर, अब तो CBI की जांच ही इस पूरी घटना से पर्दा उठा सकती है, और अगर ये दावे सच हुए तो फिर CBI को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे। इसके बाद जब वो 7 लोग इस पूरी वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें संजय रॉय दिखाई दिया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। फिर इन्हीं डॉक्टरों ने संजय से ऐसा कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक लड़की है और जो करना है वो करो। इसके बाद जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया तो उसने वहाँ पे उस ट्रेनी डॉक्टर को पड़ा हुआ पाया, फिर उस डॉक्टर के साथ गलत काम किया, जिसकी वजह से उसका सीमन भी उन बाकी लोगों के सीमन के साथ डॉक्टर की बॉडी के शरीर में चला गया। इसीलिए कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कोर्ट में जाते ही संजय रॉय जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और ऐसा कहने लगा कि ये मर्डर और रेप उसने किया ही नहीं है। संजय रॉय ने ऐसा कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा कहा था संजय रॉय ने कोर्ट में। और इसी के साथ साथ संजय रॉय ने कोर्ट से सोने की इजाजत भी मांगी। उसने बोला कि CBI से लगातार पूछताछ चलने की वजह से मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, 2 हफ्ते से कोलकाता पुलिस और CBI लगातार मुझसे पूछताछ कर रही है। इसके बाद जब संजय रॉय को अगले दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए CBI लेकर गई, जिसके बाद CBI ने 3.5 घंटे तक संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था, लेकिन बाद में संजय रॉय ने अपना बयान पूरे तरीके से पलट दिया, क्योंकि संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने ये कहा कि रेप के बाद उसने डॉक्टर की हत्या कर दी, क्योंकि वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, इसीलिए डॉक्टर को शांत करने के लिए संजय रॉय ने उसका जोर से गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक डॉक्टर ने दम नहीं तोड़ दिया। आपको बता दें कि संजय रॉय बॉक्सिंग का काफी अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, इसीलिए वो लेडी डॉक्टर अपने आप को संजय रॉय से बचा
बचा नहीं पाई। इसी के साथ साथ दूसरी खबर ये भी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने झूठ को भी सच बना दिया, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को संजय रॉय ने बुरे तरीके से घुमा दिया, क्योंकि दूसरे बयान में उसने ये बोला कि जब वो अस्पताल में पहुंचा तो उस समय डॉक्टर की मौत हो चुकी थी और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, जिसकी वजह से वो अस्पताल से वहां से भाग गया। और ऐसे ही दो तरफा बयानों से संजय रॉय ने ना सिर्फ सीबीआई को उलझा दिया बल्कि उस पॉलीग्राफ मशीन को भी संजय रॉय ने गुमराह कर दिया। इसीलिए अब जब इस केस को 20 दिन हो चुके हैं उसके बावजूद भी कोलकाता का ये केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा, जिसका रीजन ये है कि सबूतों को मिटाने में कोलकाता पुलिस और कॉलेज के बड़े बड़े लोगों का काफी बड़ा हाथ है। और अब तो एक ऐसा वीडियो भी सामने आ गया है जिसकी वजह से देश के लोगों का शक अब यकीन में बदल गया है कि कोलकाता पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी है। दरअसल दोस्तों अभी के समय जो आप वीडियो देख रहे हो ये 40 सेकंड का वीडियो अभी के समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो उसी सेमिनार हॉल का है और ये वीडियो घटना से कुछ समय बाद ही शूट किया गया था। और इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो कि किस तरीके से कई सारे लोगों की भीड़ उस घटना स्थल पर खड़ी है और उनके माथे से पसीने छूट रहे हैं। दरअसल लेडी डॉक्टर का शव मिलने के बाद उस घटना स्थल पर तुरंत कई सारे लोगों की भीड़ इस वीडियो में जमा होते हुए दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में आपको कई सारे बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं, फिर चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष हो, उनके वकील शांतनु देव, कोलकाता की पुलिस हो, हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मचारियों, फोरेंसिक मेडिसिन के एक प्रदर्शनकारी देवाशीष सोमो, और इसी के साथ साथ इस वीडियो में डेटा एंट्री अधिकारी प्रसून चट्टोपाध्याय भी दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के तुरंत बाद का है और इसीलिए अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि घटना के तुरंत बाद सेमिनार हॉल में इतने सारे लोगों की भीड़ वो भी पुलिस के साथ जमा होकर भला क्या कर रही है। और इसीलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पुलिस के साथ मिलकर तमाम लोगों ने घटना के बाद सारे सबूत मिटा दिए। और ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं इसीलिए तो लड़की के माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार नहीं कराया गया और उनकी मुलाकात प्रिंसिपल के साथ भी कराई नहीं गई। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के लीक होने के बाद से ही प्रिंसिपल से लेकर पुलिस तक सबके सब काफी बुरे तरीके से शक के घेरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो ऐसे अपराधी होते हैं उनका गला तलवार से काट दिया जाता है। तानाशाह के देश उत्तर कोरिया में बलात्कारियों के सिर पर मारी जाती है गोली। इराक में ऐसे अपराधियों को लोगों की भीड़ के सामने पत्थरों से मारकर मौत की सजा दी जाती है। चाइना में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाती है, साथ ही साथ करंट के झटके देकर भी मारा जाता है। लेकिन वही बात अगर हम अपने देश की करें तो हमारे देश में ऐसे दुष्कर्म की जो सजा है वो धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर मात्र 10 साल की सजा है, जो कि सच में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। और अगर लड़की माइनर है और उसके साथ कोई दोषी दुष्कर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि सजा को उम्र कैद या फांसी तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब जो सजा हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल वो सजा है कास्ट्रेशन। दोस्तों देखा जाए तो कास्ट्रेशन ठीक उसी तरीके की प्रक्रिया है जिसमें एक सांड को एक बैल में तब्दील कर दिया जाता है। इस बात से आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं तो कास्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मर्द को नामर्द बना दिया जाता है। दोस्तों साउथ कोरिया, चाइना, यूक्रेन, नाइजीरिया और मडगास्कर जैसे ये तमाम देश है जहाँ पे ऐसे अपराधियों को सजा देने के लिए कास्ट्रेशन का यूज किया जाता है। और ये सजा इसीलिए दी जाती है ताकि वो अपराधी आगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी ना कर सके। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि उन देशों में भी कुछ ही केसेस में ये सजा अपराधी को दी जाती है। वैसे दोस्तों आपका इस सजा के बारे में क्या कहना है? क्या इस सजा का प्रावधान भारत में भी आना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। और ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।